अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे, हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं हूं भैया। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है G20 हाइलाइट्स, हाउ इंडिया चेंज्ड G20 फॉरएवर अभी एंड यू। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, छोटी सी वीडियो लेकिन काफी डिटेल में समझाएंगे। तो इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें, भाई बहुत मेहनत करते हैं। G20, पिछले कुछ दिनों में आपने ये शब्द जरूर सुना होगा और ये इवेंट भारत के लिए एक बड़ी जीत था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड मीडिया ने प्रेडिक्ट किया था कि G20 समिट फेल हो जाएगा, इंडिया इसे हैंडल ही नहीं कर पाएगा, लेकिन भारत ने उन सब क्रिटिक्स को गलत साबित कर दिया। हाउ, लेट मी एक्सप्लेन। भारत 2023 में G20 प्रेसिडेंट है। भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के 60 शहरों में 200 से अधिक इवेंट्स प्लान हुए, जिनमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने और 125 नेशनैलिटी के इन टोटल 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत को 100% कंसेंसस यानी फुल सपोर्ट मिला। दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर भारत। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग्स करने से क्या फर्क पड़ता? हमने इस प्रेसिडेंसी में सिर्फ बातें की या फिर कुछ हासिल भी किया? 5 बड़े विक्ट्रीज है जिनके बारे में आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हम इम्पोर्टेंट मुद्दे एक आसान भाषा में आपके सामने लाते हैं ताकि आप आपकी राय खुद बना सके। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। G20 के देश दुनिया के 60% पॉपुलेशन, 75% ट्रेड और 85% GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हुआ। G20 से पहले G7 एक ओरिजिनल अलायंस था, मानो कि सबसे पहले अवेंजर्स। लेकिन एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए तो दूसरे देशों का कोऑपरेशन भी चाहिए। तो 1999 में अवेंजर्स एक्सपांड हुआ और नए चेहरे सामने आए। आज 19 देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बनता है। G20 क्या है, इसका इम्पोर्टेंस और इम्पैक्ट, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ। अगर आप एक रिफ्रेशर चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देखिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, विक्ट्री का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। विक्ट्री नंबर 5। G20 प्रेसिडेंसी एक एक्सेलेंट मौका होती है बदलते भारत का चेहरा दुनिया के सामने लाने का, और हमने यही किया। फिर वो UPI की सीमलेस पेमेंट फैसिलिटी हो, या हमारा कल्चर, या डेवलप होता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये है भारत मंडपम, 123 एकड़ में फैला हुआ भारत का सबसे हाई टेक कन्वेंशन सेंटर। 26 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में इसका इनॉग्रेशन हुआ। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, UK के PM ऋषि सुनक, ऑस्ट्रेलियन PM एंथनी एल्बनीज यहाँ मौजूद थे। इस साल भारत G20 का प्रेसिडेंट था, तो इस प्रेसिडेंसी के साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी आते हैं। उन्हीं में से एक स्पेशल पावर है G20 के देशों को छोड़कर दूसरे देशों को स्पेशली इनवाइट करने की ताकत। भारत ने इस पावर का बखूबी इस्तेमाल किया और बांग्लादेश, सिंगापुर, UAE जैसे देशों को इनवाइट किया। इन बड़े बड़े नामों में 2 इम्पोर्टेंट नाम मिसिंग थे, और वो हैं चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के जेलेंस्की भी G20 समिट में नहीं दिखे। ये देश G20 का हिस्सा है, फिर भी ये समिट के लिए नहीं आए। ये लोग ना होने के कारण कई मीडिया हाउसेस ने प्रेडिक्ट किया था कि इस साल भारत का G20 फेल हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ और। हमने इन बड़े बड़े लीडर्स के सामने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान रखा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI, जिसमें हमारा आधार, UPI, डिजीलॉकर जैसी टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे हमारा DPI है, वैसे अलग अलग देशों का भी होता है। अगर हम सारे देश टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो बेहतर सिस्टम्स बना सकते हैं। यही प्रस्ताव हमने वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा और वन फ्यूचर अलायंस स्थापित करना चाहा। इसीलिए ये सारे लीडर्स एक मंच पर एक साथ आना इम्पोर्टेंट था। साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन के लीडर भी यहाँ मौजूद थे। UC डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग देश के बारे में तो समझ सकते हैं, लेकिन अफ्रीका यहाँ पर क्यों था? विक्ट्री नंबर 4। ये G20 समिट हिस्टोरिक होने वाला है, और इसका मेन रीजन है अफ्रीका। भारत ने G20 को एक्सपांड करके हमेशा हमेशा के लिए G21 कर दिया है। अब अफ्रीका भी इस ग्लोबल ग्रुप का हिस्सा होगा। जैसे G7 देशों ने एशिया के डेवलपिंग देशों को इन्वॉल्व किया, वैसे ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया। ये एक बड़ा मूव है, लेकिन क्यों?
अफ्रीकन यूनियन में ये 55 देश आते हैं जिनका टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। इनमें इजिप्ट, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका जैसे इम्पोर्टेंट देश भी आते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उनके नाम पढ़ सकते हैं। अफ्रीका इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अफ्रीका के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है क्योंकि उनका सारा पॉपुलेशन काफी यंग है। यहाँ का एवरेज एज सिर्फ 18 है। केनिया का सिलिकॉन सवाना अफ्रीका की सिलिकॉन वैली बन रहा है, जो कॉपी पेस्ट करके नहीं लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टार्टअप्स बना रहा है। अफ्रीका दुनिया का ट्रेजर चेस्ट माना जाता है, जहां एग्रीकल्चर, डायमंड, गोल्ड और लिथियम जैसे रेयर मिनरल्स मिल सकते हैं, जिससे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बनेगी, लिटरली वकांडा जैसे। इसीलिए जिस तरह से, जिस रिस्पेक्ट से अफ्रीकन यूनियन को G20 में वेलकम किया गया, ये भारत के लिए एक बड़ी विक्ट्री था। सोचिए, इस एक मूव की वजह से अफ्रीकन देशों में भारत के लिए ट्रस्ट कितना बढ़ेगा। हाल ही में न्यूज आई थी कि भारत अफ्रीका में $150 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स करने वाला है। अफ्रीकन पार्टनर्स का इंडियन लीडरशिप में ट्रस्ट होना एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं। विक्ट्री नंबर 3, अमिताभ कंत हमारे G20 के शेरपा थे। उन्होंने कहा है कि इस साल का G20 उसके इम्पैक्ट के लिए जाना जाएगा, क्योंकि हमने 112 आउटकम्स अचीव किए हैं। यानी सिर्फ डिस्कशन नहीं, रिजल्ट्स सामने आए हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर ऐसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स शामिल है। साथ ही साथ हमने इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल दुनिया को आईना दिखाने के लिए भी किया है। हमने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पूरी दुनिया ने 2030 के लिए सेट किए हैं, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 12% टारगेट्स ऑन ट्रैक है और हम सबको कमर कस कर मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी बातें न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन का हिस्सा हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि यूक्रेन जैसे देशों ने भी भारत का समर्थन जताया। पिछले एक साल में यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में हमने नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया। यूक्रेन की लीडरशिप इस बात से हमसे नाराज थी, लेकिन उनका न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन में सपोर्ट पाना एक बड़ी जीत थी। अगर आप में से कुछ लोग न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन के सारे 112 पॉइंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें यहाँ पढ़ सकते हैं। आज जियोपॉलिटिक्स लेवल पर दुनिया में काफी तनाव है। यूक्रेन की तरह ताइवान पर भी किसी भी मोमेंट अटैक होने की संभावना है। चाइना के साथ एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो सकती है। ऐसे सिचुएशन में G20 में इन सारे मुद्दों पर कंसेंसस पाना भारत के लिए एक बड़ी जीत। और बात एक दो मुद्दों की नहीं, 112 अलग अलग मुद्दों की हो रही है। विक्ट्री नंबर 2, आपने नोटिस किया होगा कि G20 के इवेंट्स भारत के अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग शहरों में हो रहे थे। और इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में भी G20 के इवेंट्स हुए। ये एक एक्सेलेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी देश पाकिस्तान या फिर मोर इम्पोर्टेंटली चाइना के खिलाफ खड़ा नहीं होता। लेकिन इन देशों के लीडर्स ने कश्मीर और अरुणाचल में होने वाले इंडियन G20 के इवेंट्स अटेंड किए। ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था, और ये मैसेज पाकिस्तान और चाइना की लीडरशिप तक जरूर पहुंचा होगा। कश्मीर में कोई भी बड़ा इवेंट प्लान करना एक चैलेंज होता है। एक छोटी सी भूल, एक सिक्योरिटी फेलियर और पूरी दुनिया में नेगेटिव हेडलाइंस। ये एक काफी फीजिबल पॉसिबिलिटी थी, लेकिन भारत ने एक ग्लोबल स्टेज पर प्रूफ कर दिया कि कश्मीर में स्टेबिलिटी वापस आ रही है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी के इंसिडेंसेस 99% कम हुए। लॉ एंड ऑर्डर लौट रहा है। वैसे ही अरुणाचल में G20 मीटिंग होस्ट करना चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, क्योंकि चाइना अरुणाचल के बॉर्डर्स पर अपने सेटलमेंट्स बनाता रहता है। उन्होंने हाल ही में एक नया मैप रिलीज किया था, जहां उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल को उनके मेन लैंड का हिस्सा बताया था। चाइना के एम्बिशंस के अगेंस्ट एक सॉफ्ट मैसेज वहां पर होने वाली G20 मीटिंग्स थी, लेकिन उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था, जो हमारी नंबर 1 विक्ट्री है। विक्ट्री नंबर 1, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। चाइना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चाइना एशिया के कई देशों को यूरोप से जोड़ना चाहता है। इसमें चाइना ने ऑलरेडी क्लोज टू $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट किए हैं, या तो लो इंटरेस्ट लोन्स दिए हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए हैं। और चाइना के इस स्टेप ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोविड के समय दुनिया को रियलाइज हुआ कि वो चाइना पर कितना निर्भर है। दुनिया की इकोनॉमी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करने के बावजूद कोई भी चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और इसके दो मेन रीजंस हैं। एक, पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चाइना पर डिपेंडेंट है। और दो, सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाइना के पॉकेट में। BRI के बाद चाइना का वर्ल्ड ट्रेड पर इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा, तो एक अल्टरनेटिव की सख्त जरूरत है, ताकि ट्रेड फ्री और ओपन रहे, यहाँ किसी एक का डोमिनेंस ना हो। और इसी ऑब्जेक्टिव से इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर लॉन्च होने जा रहा है। जो बाइडेन ने इसे एक बिग डील कहा है, लेकिन क्यों यहाँ हम रेलवेज और वाटरवेज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं?
हमारे साथ साथ सऊदी अरेबिया, यूएई, इजराइल, जॉर्डन और यूनाइटेड स्टेट्स इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली और ईयू के कुछ देश भी इसमें शामिल होंगे। यहाँ मोदी जी ने एक इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट की है। ये फोटो चाइना के लिए नाइटमेयर बनने वाला है, जहाँ सऊदी के MBS अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं। इस ग्रैंड प्रोजेक्ट में हम सी रूट से यूएई से जुड़ेंगे, फिर सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इसराइल से होकर कनेक्शन यूरोप तक बनेगा। अगले 60 दिनों के अंदर अंदर इसका प्लान बनेगा और एग्जीक्यूट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये हम नहीं, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, ये है भारत का इम्पैक्ट, जो पिछले कुछ महीनों में हुए फॉरेन विजिट्स का नतीजा। अगला स्टेप यही होगा कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर सीट के लिए बिड करे। एंड आई एम श्योर इस पर फुल फ्लेज काम G20 समिट खत्म होते ही शुरू हो जाएगा। सच तो यही है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में 2023 एक इम्पोर्टेंट साल होने वाला है। ये साल इतिहास के पन्नों में इसीलिए याद रखा जाएगा क्योंकि अब भारत ने ग्लोबल साउथ के लीडरशिप की जिम्मेदारी उठाई है। जिन इश्यूज पर बाकी के देश सिर्फ बातें करते हैं या फिर उन्हें इग्नोर कर देते हैं, उन पर भारत ने आवाज उठाई है। यस, G20 के ऑर्गेनाइजेशन में काफी कमियां थी, काफी मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन अब एक सवाल आपसे, हमारे व्यूअर्स से, कि क्या हम हमारी रियल अचीवमेंट्स को याद रखेंगे या फिर खुरेद खुरेद कर कुछ गलतियां ही निकालेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि भारत बदल रहा है। जो लोग सिर्फ भारत के फेलियर्स को हाईलाइट किया करते थे, वो अब चंद्रयान, आदित्य L1 और G20 की भी बातें कर रहे हैं। ये बदलाव रिफ्रेशिंग है और जरूरी भी। यहाँ बात नाम की नहीं, काम की हो रही, और यही इंपॉर्टेंट बदलाव आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय द वे, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा ये रेड फॉलोइंग लव टी-शर्ट खरीद सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और साफ जाहिर है, जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना तो कैलकुलेशन लगाई जाती है, हिसाब किताब लगाया, क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई वेस्टर्न मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया के तो मुंह बोलती बंद हो जाती है कि इतने बड़े कंट्री, इतने मतलब पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर जो आए हैं, कुछ मेहमान थे, कुछ तो भाई वैसे मेंबर हैं, तो वो भी आए, और 25,000 लोग, 25,000 लोग आए, और जितनी बड़ी मीटिंग्स हुई उनका सिक्योरिटी का इंतजाम सबसे मुश्किल काम है भाई साहब। अरुणाचल हो गया, कश्मीर हो गया, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम संभालना ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसे प्रोटोकॉल देना, प्रोटोकॉल निगरानी, निगरानी खाना उठना बैठना टाइम देना, इसमें सबसे बड़ा स्ट्रोक भाई साहब पूरे इस G20 मीटिंग में जो लगे ना, दो, एक अफ्रीका और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना, यही थे। और एक जो इसके काम जो कामयाब होने के पीछे जो मेन रीजन ये है, वजह ये है कि जो रशिया और यूक्रेन की बात की, ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई। अगर उसी मुद्दे पर रहते जिस तरह पाकिस्तान, और छोड़े नहीं था, जिस तरह पाकिस्तान किसी भी मंच पे जाता है तो कश्मीर वो सारे मीटिंग पे पानी फेर देता है। तो यहाँ पर भी अगर वो रशिया यूक्रेन का वाला जो मुद्दा छिड़ जाता तो ये सारी मीटिंग वही गुड़ गोबर हो जाती है। वही मुद्दे 112 डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ बकायदा। जी बिल्कुल, 112 तो भाई साहब ये बहुत वाकई बहुत बढ़िया है। खर्चा भी बहुत ज्यादा किया भाई इंडिया ने, पिछले जो इंडोनेशिया में हुआ था 300 के 14-15 करोड़ खर्चा किया था इंडोनेशिया ने। तो ये इंडिया वाला जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड का ही बना दिया कि इतना ज्यादा खर्चा 4100 करोड़, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 2500 लोगों को अंदाजा आ रहा है, 4100 करोड़ बहुत ज्यादा हो, मतलब ये 25,000 लोग आए हैं। हाँ, 25,000 तो उनको संभालना को संभाल बंदे का भी बंदा कैलकुलेशन लगाए तो कितना खर्चा बनता है, बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें जो खर्चा, ये जो सारा जो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा किया गया,
तो भाई जो खर्चा किया गया इतना हैरानगी के साथ परेशानी के साथ कह रहे फ्यूचर में इससे फायदा क्यों नहीं होने वाला भाई साहब, वही बहुत सवाल करने लगा हूं। ये तो लंबी नजर इन्वेस्टमेंट कैसे इसकी भर नहीं, ये पब्लिक का पैसा होता है, आवाम का पैसा होता है भाई साहब। तो ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इतना आइडिया को खूबसूरत किया गया, वो कौन सा आइडिया से उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिया है? सारा कुछ तो इंडिया में ही रहेगा भाई साहब। कुछ ये बिल्डिंग जो बनाई गई थी इसमें सब मेहमानों को ठहराया गया भाई साहब, वही तो सवाल करने लगा हूँ कि जो खर्चा भाई साहब किया गया है, क्या वो खर्चा इन बिल्डिंग्स में या जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया गया है, जो चीजें बनाई है या वो फिर अलग से, और ये इनका खाने पीने का रहना, खाने पर तो इतना खर्चा थोड़ी ना आएगा, सिक्योरिटी जो हर चीज का खर्चा, हर चीज के ऊपर ऑलरेडी उनकी है। मैं आपको बताया कि ये खाने का स्पेशल तारक पहले भी मैनेजमेंट का रखी है भाई, सिक्योरिटी इनकी अपनी नहीं थी भाई। मैं बात कर रहा हूँ ये जो बिल्डिंग बनी इसके ऊपर कई गुना खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा होगा, 250 करोड़ तो इसके ऊपर होगा खर्चा। और भी वो जो भी रहे थे अरुणाचल में मीटिंग हुई है, कश्मीर में वहां पर भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया खर्चा, और जो जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया गया, 60-70 प्रोजेक्ट उधर चले उस पे भी तो खर्चा है। तो भाई साहब वो खर्चे मिला के ये टोटल खर्चा हुआ है, या फिर कुछ अलग से खर्चा, जो एक मीटिंग करवाने के लिए जो खर्चा वो खर्चा हुआ है, इस बारे में जरूर क्लियर कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब ये 41,000 करोड़ बंदा सुने देता हूँ भाई साहब, 41,000 करोड़ पाकिस्तान को दे देते, तू हर वीडियो में यही कह देता है हमें दे देते। नहीं सही भाई साहब, हमें क्यों दे देते, शुक्र है आज नमाजा नहीं। तो ये भाई साहब बहुत बढ़िया है, वैसे देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई गई उसमें भी तो 3,300 करोड़ जो है वो लगे हैं, वो भी तो बहुत तो बड़ा, कौन सी कोई छोटी सी चीज बनी है, दुनिया की बुलंद तरीन बनी है मतलब वो मूर्ति, तकरीबन 2700 करोड़ लगा था उसमें, तो उनका हाथ बनता था उसका भाई, पैसे लगाना मूर्ति पे, तो मतलब बहुत बड़ा, वो भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा है। आज दुनिया इंडिया की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जो चाइल्ड लेबर पर जो बात होगी वो भी अच्छा था भाई साहब, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बात होगी, और जो टेक्नोलॉजी शेयर था वो बहुत बढ़िया है, कि देखा जाए इंडिया में जो चैलेंज बन के आ रहा है क्लाइमेट चेंज भाई, हां यूपीआई जो है इंडिया का वो एक बोल सकते हैं प्राइड है, सही बात, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाती है भाई साहब। एक ठेले वाले के पास भी वो सिस्टम लगा, आप मोबाइल से पैसे पे कर सकते हैं, कोई रेडी छाबे वाला उधर इंडिया में बहुत है, उसके पास भी सुविधा करो, हमारे पास बैंक कैश, हमारे तो बैंकों में भी बहुत काम है, कई ऐसे बैंक है जिनमें थोड़ा सा काम नहीं चलता भाई, सीधी कैश निकाल कर हमें लेके आना पड़ता है, वो एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं, चलो कुछ चंद एक स्टोर है जहाँ पे वो वो भी कुछ सौलते हैं, लेकिन अक्सर दुकानों पे तो भाई हमारे गांव में कोई ऐसी दुकान नहीं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट होती हो, सीधा पैसे दो, चले जाए तो वहाँ पर भी जो बड़े स्टोर हैं, जो प्लाजे वगैरह बने शॉपिंग मॉल, वहाँ पर है ये कार्ड सिस्टम, वरना वहाँ पर भी भाई सब नगद चलता, कैश चलती है, होटल वगैरह में कार्ड काफी चल रहे हैं, और सबसे जो बढ़िया है जो इस पूरी दूसरा जो है जो अफ्रीका वाला, वो वाला बहुत बढ़िया भाई साहब, जितना वहाँ पे सोना है, हीरे हैं, तेल है, साथ है एक बहुत बड़ी मंडी भी है, इंडिया वहाँ पर बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इससे पूरी दुनिया का फायदा, वो जो गरीब ममालिक है उनका भी फायदा होने वाला है, क्योंकि कुदरती वसाइल उनके पास निकालने की ताकत नहीं है, इनके पास ताकत है, बिल्कुल मशीनरी और प्लानिंग का होगा, अफ्रीका की होगी भाई, ये प्रोवाइड करेंगे उसमें भाई, अफ्रीका का जो होगा फ्रेंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मजदूर होंगे वो अफ्रीका के लोग होंगे, मैं भी वही कह रहा हूँ, अफ्रीकन मजदूर भी इंडियन मजदूर उधर जाएंगे, इंजीनियर इंजीनियर होंगे जो टॉप लेवल पर होंगे, बाकी नहीं वो अफ्रीकन, बाकी वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, यहाँ के मजदूर उधर काम भी नहीं करते, वो तो माहौल में रचे हुए हैं, तो बहुत बड़ा फर्क होता है, एक बंदा के नॉर्मल इलाके भाई, उनको तो गर्मी तो अफ्रीकन को तो सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं कि यहाँ से आपको फायदा है, और वो जिनको भाई उधर रोजगार नहीं मिले, जब रोजगार मिलेगा भाई साहब उनकी
वो खुशहाल हो लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा। आपको दुआएं भी देंगे पैसा मिलिया का, और 150 बिलियन तक पैसा इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होगा। अच्छी बात, तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया था भाई। और G20 की मीटिंग बहुत ही सफलता के साथ हुई, और इससे इंडिया को मैं कहता हूँ, वो कहते ना, वो एक मिसाल देते हैं पंजे घी में, वो पंचे घी में और सर कढ़ाई में, वो वाला मुद्दा हो गया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।